काफी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी ये बताइए कि जब हम बैक ऑफिस में एनडीए देखते हैं तो वहां पर हमारा सिग्नेचर तो दिखाई देता है बट आय सर का सिग्नेचर दिखाई नहीं देता है। तो जिनके पास भी ये प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब आप बैक ऑफिस को लॉग इन करते हो तो सबसे पहले बैक ऑफिस में किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए अगर आप मोबाइल में लॉग इन करो बैक ऑफिस को तो आप डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिए तो आपको सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। अब डेस्कटॉप मोड पर कैसे करना है, जो आपका क्रोम ब्राउजर रहेगा सबसे ऊपर आप देखेगा या तो आपको एरो दिखाई देगा या फिर थ्री लाइन आपको मिलेगी तो उस पर क्लिक कीजिए और हल्का सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है यानी कि जो आपका डैशबोर्ड है वो आपका डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा तो सारे ऑप्शन आपको अच्छे से नजर आएंगे। अब एनडीए देखने के लिए राइट साइड में सबसे ऊपर एक एरो मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपका एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहेगा जो डॉक्यूमेंट में आप क्लिक कीजिए। वहां पर आपको जितने भी आपने अगर प्रोडक्ट पर भी साइन किए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, एनडीए का भी साइन वहां पे मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको एनडीए देखना है तो एनडीए पे क्लिक कीजिए। एनडीए पे क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में क्या होता है कि एज अ फाउंडर आप ऑन पैसिव में बने हो तो उसका कुछ रूल है, रेगुलेशन है, कानून है, गाइडेंस है, तो वो सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें देखने के लिए आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करके ऊपर आपको सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में सिलेक्ट करके आप एनडीए को अच्छे से पढ़ भी सकते हो। और एनडीए को अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो वहां पर केवल आपका सिग्नेचर दिखेगा और किसी का वहां पर नहीं दिखेगा। आपका वहां पर सिग्नेचर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपका ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखेगी और आपका डेट और टाइम भी दिखेगा जिस डेट और टाइम पर आपने सिग्नेचर किया है। और आप वहां पर एस सर और दीपक सर का सिग्नेचर देखने के लिए ना ही आपको ऊपर रहना ना ही आपको सबसे नीचे रहना, आपको बीच में रहना। बीच में रहकर आप अपने फिंगर से पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए तो जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो सबसे नीचे आप आ जाएंगे। तो सबसे नीचे वहां पर एस फरे सर एंड दीपक सर का वहां पे सिग्नेचर आपको जरूर दिखेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जिनके पास ये प्रॉब्लम थी कि उनके एनडीए में एस सर का सिग्नेचर नहीं दिख रहा तो वहां पर बेसिकली वो एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो सबसे नीचे चले जाते हैं, सबसे नीचे जाने पर केवल उनका ही सिग्नेचर वहां पर दिखेगा। बट हमें सबसे नीचे नहीं जाना, बीच से बाय फिंगर हमें पेज को स्क्रॉल करना है। तो सबसे एनडीए का जो सबसे नीचे वाला पेज होता है वहां पर आपको एस फरे सर दीपक सर का वहां पे मिल जाएगा सिग्नेचर। उसके बाद वहां पर और भी जितने भी प्रोडक्ट पे आपने साइन किया होगा उसका भी वहां पे आ जाएगा तो उसको भी आप देख सकते हो। और किसी भी आप प्रोडक्ट एग्रीमेंट को या फिर आपने एनडीए एग्रीमेंट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो सबसे नीचे आपका डाउनलोड का भी ऑप्शन रहता है, पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे लॉगिन किए हो तो आप डायरेक्टली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो और सिलेक्ट लैंग्वेज यूज करके आप अपने लैंग्वेज में उसको पढ़ भी सकते हो। आई होप जिनके पास भी ये प्रॉब्लम रही होगी उनका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैक ऑफिस को अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर लॉग इन करो तो कोशिश करो कि उसको डेस्कटॉप मोड पर ही करके देखो सारी चीज़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी ऑप्शन सही से नज़र नहीं आ रहा है तो एक बार आप पेज को यानी कि अपने डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद जो चीज़ आपको शायद नहीं दिख रही, आई होप कि आपको ऑप्शन जरूर दिखने लगेगा।